नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं वनमाईलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं सीटेल न्यूज। देखते हैं खास खबरें। फिरोजाबाद जनपद के मक्खनपुर के राजपुर बलाई में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसमें गांव को जाने वाले रास्ते पर जल भराव काफी पुरानी समस्या है, जिसकी ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की मगर कोई भी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते में जल भराव होने से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग गिर जाते हैं, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समस्या का हल नहीं हुआ तो वह धरना पर बैठने को मजबूर होंगे। तो देखते रहिए सीटन न्यूज के साथ राजेश कुमार की ये खास रिपोर्ट। क्या समस्या है, पानी क्यों नहीं निकल पा रहा? समस्या ये है कि पहले इस गड्ढे में जाता था, ठीक है, इसके पट्टे खदानों ने करवा लिए अपने नाम, ठीक, और इसका पानी बंद करवा के फिर ये हमारे खेत में खोल दिया, ठीक है। हमने अपनी नहर हंडी एक से करवा के मैं डलवा के, समस्या ये कि अब ये इसमें ना तो खदान कोई सुनना है ना कोई सेक्रेटरी सुनना है, इसमें पानी भरा हुआ है सभी गाँव वासियों को। ये आपके खेत में पानी भर जाता था क्या? हाँ जी, हमारे खेत में पानी भर जाता था। तो अपने प्रधान वगैरह को बताई थी? यहाँ प्रधान को 10 साल से हम बता रहे हैं, सेक्रेटरी को भी हम बता रहे हैं, उन्होंने कोई भी मतलब इस पे आदेश या कोई भी कार्रवाई नहीं की, जैसे मोहल्ले का पानी पास हो सके। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हो? इसी राजपुर भलाई की। क्या समस्या है? समस्या ये सब पानी में कर रहे हैं, गंदा पानी है, फिर वेर खराब हो जाते, पूरा पुंचली कर रहा है और कोहरा ना वैसे ही चल रहा है यहाँ। किसी अधिकारी वगैरह को किसी को बताया? 10 साल पहले तो बता रहा है, कछु समस्या ना भाई। किसी अधिकारी ने नहीं सुनी? जब पानी बढ़ा है जो पैरों में खुजली पड़ती है, समर में भी वही पानी चल रहा है, पीने तक तो नहीं है। और किसी अधिकारी वाला से बताया किसी को? अरे पिछली साल बताया था मैंने, अभी तो कोई बात ही नहीं की किसी से। जैसे प्रधान जी को या सेक्रेटरी को अभी नॉलेज है? प्रधान जी ने तो कही कि मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा। लेकिन समस्या कब की है तुम्हारी? ये तो बहुत दिन अंदर सब तो पूरा गाँव पानी में निकलता है, ऐसे ही निकल गया।